हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए इस सेशन में लेकर आए हैं आपको कार्य ऊर्जा शक्ति का जो भी न्यूमेरिकल टाइप के उसमें कॉन्सेप्ट है उसको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले कार्य को देखते हैं। वर्क हमारा क्या है? तो सबसे पहले वर्क क्या है, किसी वस्तु को कुछ दूरी तक जब हम लोग बल लगा कर विस्थापित करते हैं तो कहा जाता है कि काम हुआ है। जैसे कोई भी वस्तु हो, मान के चलिए एक ये वस्तु है, इसको क्या करेंगे, बल लगाकर यहाँ से बल लगा दिए, यहाँ से फोर्स बल लगाकर कुछ दूरी तक विस्थापित करेंगे, मतलब कुछ दूरी तक इसको ले जाएंगे तो कहा जाएगा कि कार्य हुआ है। अन्यथा जब यहाँ पे स्थिर रहेगी, बल लगा रहे हैं यहीं पे स्थिर है तो कार्य नहीं हुआ है। तो मान लीजिए यहाँ से इसको विस्थापित करके यहाँ पर ले जाएँ, यहाँ से अगर इस दूरी तक अगर इसको विस्थापित किया जाए, ये क्या है, हमारा डिस्टेंस है। तो अगर इस दूरी तक इसको विस्थापित किया जाए तो किया गया कार्य W बराबर हमारा क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा एफ एस ना, क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा एफ एस। अब एफ हमारा क्या है, एफ हमारा बल है, एस क्या है, एस हमारा विस्थापन है, दूरी है ना। तो कार्य किसको कहते हैं, जब किसी वस्तु को कुछ दूरी तक बल लगा कर विस्थापित किया जाता है तो कहा जाता है कि कार्य हुआ है। तो यहाँ पे W बराबर बल गुने विस्थापन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बल गुने दूरी। तो यही हमारा क्या है, कार्य है। ठीक, अब कार्य का मात्रक क्या है, कार्य का मात्रक क्या है, जूल। कार्य को किस में मापते हैं, जूल में मापते हैं। ठीक, तो कार्य के बाद क्या है, हमारा ऊर्जा है। तो चलिए ऊर्जा को देखते हैं। तो एनर्जी क्या है, ऊर्जा क्या है, कार्य करने की क्षमता। ऊर्जा क्या है, ऊर्जा हमारा क्या है, कार्य करने की क्षमता है। कितनी हम में क्षमता है कार्य करने की क्षमता, उसी को ऊर्जा कहते हैं ना। तो इसमें दो तरह के आते हैं, एक है स्थितिज ऊर्जा और एक है हमारा गतिज ऊर्जा। ठीक, तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, ये क्या है, किसी भी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो भी ऊर्जा है उसको स्थितिज ऊर्जा कहेंगे, और जो कोई वस्तु अगर गतिशील है तो उसमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। ठीक, स्थितिज ऊर्जा के लिए क्या होता है, तो स्थितिज ऊर्जा के लिए हमारा समीकरण हो जाता है mgh। स्थितिज ऊर्जा के लिए क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा। m क्या है, यहाँ पे द्रव्यमान है ना, m क्या है, द्रव्यमान है, मास। g क्या है, g यहाँ त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण। और h हमारा क्या है, h ऊंचाई है, उसको दूरी भी बोल सकते हैं, ऊंचाई है, दूरी है ना। जब हम किसी वस्तु को कुछ ऊंचाई तक ले जाते हैं, मान के चलिए ये हमारा यहाँ पे एक वस्तु है, ठीक, इसको हम लोग ऊपर ले जा रहे हैं h ऊंचाई तक यहाँ पे ले गए, ये यहाँ से उठा करके ऊपर ले गए। तो जब इस वस्तु को ऊपर ले गए तो यहाँ पे एक पृथ्वी के पास क्या है, एक गुरुत्वीय त्वरण है, जी है, इसके विरुद्ध हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ से भी ऊपर ले जाने में बल लगेगा, तो वही बल हमारा यहाँ पे क्या है, बल है क्या हमारा, mg। न्यूटन के दूसरा नियम से बल क्या होता है, एफ बराबर एम ए होता है ना, जहाँ ए त्वरण है, लेकिन यहाँ पे जी क्या है, जी गुरुत्वीय त्वरण है। तो अब गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध ऊपर कोई वस्तु को ले जाने में किया गया बल कितना लगाया गया, एफ बराबर एम जी लगाया गया, और कितना ऊंचाई तक ले गया, एच ऊंचाई तक। तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा के लिए हमारा क्या है, स्थितिज ऊर्जा के लिए क्या हो जाएगा, वही ऊर्जा भी क्या है, एक प्रकार का कार्य है। तो कार्य में हम लोग क्या एफ एस लिख रहे थे, अगर इसको देखा जाए यहाँ पे तो कार्य हमारा क्या था, कार्य हमारा एफ एस था। ठीक, तो ई स्थितिज ऊर्जा भी क्या है, एक प्रकार का कार्य है। तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा हमारा, स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा,
एफ हमारा क्या है, एम जी है यहाँ पे, एफ क्या है हमारा, एम जी, ठीक। और ई जो एस विस्थापन है, एस हमारा दूरी क्या है यहाँ पे, एच। तो स्थितिज ऊर्जा के लिए हमारा व्यंजक क्या हो गया, एम जी एच ना, जहाँ एम है से द्रव्यमान है, एच जी है से गुरुत्व त्वरण है, और एच क्या है, एच है ऊंचाई है, ठीक। तो अब सेकेंड देखिए, सेकेंड है इसमें, सेकेंड है आपका गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा क्या है, कोई वस्तु अगर गतिशील है तो उसमें क्या होता है, गतिज ऊर्जा होता है, गति जो भी है उसमें, कोई भी वस्तु गतिशील है तो उसमें क्या होगा, गतिज ऊर्जा होता है। गतिज ऊर्जा के लिए अगर कोई वस्तु, इसका व्यंजक होता है 1/2 mv² ना, क्या होता है इसका व्यंजक, 1/2 mv², जहाँ m क्या है, m यहाँ पे द्रव्यमान है, m क्या है, मास, द्रव्यमान है, और भी हमारा क्या है, जितनी वेग से गतिशील है कोई वस्तु, तो भी हमारा क्या है, वेग है, ठीक। ये गतिज ऊर्जा 1/2 mv² हो गया। अब एक और यहाँ पे इक्वेशन निकलता है, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और संवेग, गतिज ऊर्जा और संवेग को देखिए, संवेग हमारा क्या होता है, p, संवेग क्या होता है, मोमेंटम, इसको p से सूचित करते हैं, तो p बराबर m भी हमारा होता है, ठीक। और गतिज ऊर्जा हमारा क्या है, गतिज ऊर्जा 1/2 mv² है, ठीक। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर यहाँ पे 1/2, देखिए यहाँ पे अगर m एक ठो लिखा जाए तो ऊपर एक m है, तो इसको हम लोग यहाँ पे देखिए 1/2 है। अब इसको क्या किए, नीचे एक m यहाँ दे दिए, तो e जो m है, m क्यों, नीचे एक m दे दिए तो ऊपर में m स्क्वायर करना पड़ेगा, और पहले से यहाँ v स्क्वायर है, इसको कर दिए, तो अब जो यहाँ पे हुआ 1/2 m, देखिए p बराबर m भी, ठीक। तो यहाँ पे m भी के जगह पर p लिखेंगे, और दोनों का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब कि एक गतिज ऊर्जा का समीकरण यहाँ भी आ गया, गतिज ऊर्जा हमारा क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा हो जाएगा 1/p² / 2m, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा का समीकरण हो जाएगा। और एक गतिज ऊर्जा हमारा क्या है, 1/2 mv² है, ठीक। यहाँ तक हो गया। अब देखिए कार्य ऊर्जा हो गया, अब शक्ति देखिए, शक्ति क्या है, तो शक्ति हमारा है, शक्ति पावर, ये हमारा है कार्य करने की दर, कार्य करने की दर है, कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। मतलब कि जैसे P बराबर होता है हमारा W/T, देखिए यहाँ से W/T मतलब क्या, प्रति एक सेकेंड में कितना काम कर रहा है उसकी दर क्या है कार्य करने की प्रति सेकेंड, उसी को हम लोग बोलते हैं शक्ति। तो यहाँ से P बराबर W/T, इसका मतलब क्या, कार्य बटा समय होता है शक्ति बराबर, ठीक, शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बटा समय। अब यहाँ से अगर इस तरह से अगर P बराबर निकाला जाए, W बराबर यहाँ से FS भी होता है, तो ये भी हमारा, ये भी एक ठो इक्वेशन हो जाएगा शक्ति का। कार्य क्या होता है, W बराबर FS मतलब बल गुने दूरी, और यहाँ से T हो जाएगा। अब शक्ति का मात्रक क्या होगा, अब शक्ति का मात्रक देखिए, शक्ति का मात्रक वाट, सबसे पहले तो वाट इसका एसआई मात्रक है, वाट, किलोवाट, ठीक, मेगावाट, ठीक, और ई हो जाएगा हमारा HP, हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर में होता है हमारा, एक हॉर्स पावर में होता है हमारा 746 वाट ना, ये वाट है, ये ऐसा यूनिट है इसका, ऐसा यूनिट है, ठीक।
एक किलोवाट में क्या हो जाएगा, एक किलोवाट में हो जाएगा 1000 वाट। ठीक, इस तरह से होगा। अब देखिए एक चीज यहाँ याद रखना है कि वाट, किलोवाट और मेगावाट, एचपी, ये सब क्या है, शक्ति का मात्रक है। लेकिन यहाँ पे आएगा वाट सेकेंड, किलोवाट घंटा और मेगावाट, अगर इसमें टाइम लग जाएगा, टाइम लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इस हो जाएगा हमारा ऊर्जा का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। ठीक, तो इसके बाद हम लोग कार्य, ऊर्जा और शक्ति का पूरा तीनों व्यंजक हम लोग देख लिए। इसको एक जगह पर लिख लीजिए, जैसे फर्स्ट में हम लोग कार्य डब्ल्यू बराबर क्या पढ़ लिए, एफ एस। ठीक, सेकेंड में हम लोग पढ़ लिए, इसमें दो चीज पढ़ लिए, एक हो गया गतिज ऊर्जा, सॉरी पहले स्थिति ऊर्जा, देखिए इसमें हो गया स्थिति ऊर्जा, इसको पढ़ लिए हम लोग MgH। ठीक, अब B में हम लोग पढ़ लिए गतिज ऊर्जा, इसको हम लोग पढ़ लिए 1/2 mv². यहीं से एक आया है, अगर संवेग हो p² / 2m संवेग हो, तब यहाँ p क्या है, p हमारा संवेग है। ठीक, अब एक चीज और तीसरा पढ़ लिए, शक्ति p = w/t, तो यहाँ से p = w/t आ गया, w काम है, कार्य है। तो इतना चीज कार्य ऊर्जा शक्ति में पढ़ लिए, आपका ये संवेग है p² / 2m संवेग, और क्या है, गतिज ऊर्जा में संबंध है। ठीक, तो अब अगला जब क्लास होगा तो उसमें इस पे आधारित जो भी न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको बताया जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही, क्लास को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। अब अगला क्लास में इस पे आधारित न्यूमेरिकल होंगे। धन्यवाद।